हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूं उसमें मैं आपको अपनी खुद की आईब्रो दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं अपनी आईब्रो बनवाती हूं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने अपने आईब्रो का फ्रंट क्लीन करना होता है और उसके बाद ये देखिए मेरी आईब्रो कितनी हल्की है। तो मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रही थी कि कितनी हल्की आईब्रो में अगर हमारे पास आती है तो हम किस तरीके से उसको बनवाएं। तो मैं इनको बता रही थी तो इन्होंने उसी हिसाब से मेरी आईब्रो बनाई है। तो देखते रहिए, आपको पूरी बताती हूँ मैं किस तरीके से हमने बनवाई थी मैंने ये। तो ये देखिए, ये हमने जो लेयर लिया पहले ऊपर की लेयर को हमने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और वैसे हम अगर हमें ज़्यादा उठी हुई आईब्रो बनानी होती है तो हम नीचे से स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन मैं क्योंकि मेरी आईब्रो की थोड़ी शेप ख़राब हो रही थी तो मैं इस वजह से पहले मैंने ऐसे ही बनवाई है। तो देखिए आप कैसे बन रही है आईब्रो, ये देखिए। और मेरी है भी बहुत हल्की आईब्रो, तो मैं थोड़ा सा इसलिए मेरे को दिक्कत हो जाती है, काफ़ी टाइम में भी बनवाती हूँ ना मैं, तो क्योंकि आईब्रो बहुत हल्की है मेरी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हम अपनी आईब्रो को शेप में ला सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कस्टमर आता है कि आपको उनकी आईब्रो बनानी ही है इस तरीके से कि और हल्की शेप है उनकी और उनको आपने शेप भी देनी है, तो किस तरीके से हम बनाएंगे तो वही दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए, इस तरीके से ही हमने हल्के से हल्के पहले जो फर्स्ट लेयर निकालते हुए पीछे के हल्के हल्के बाल निकालना शुरू करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल एकदम डायरेक्ट हम नहीं चलाएंगे थ्रेड को। पहले देख लीजिए अच्छे से कि आपने कौन सा बाल निकालना है, उसी हिसाब से आप धीरे 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 बाल निकालना शुरू कीजिए। क्योंकि ऐसी आईब्रो में हम बनाते हैं आईब्रो तो हमें पता होता है ऐसे आईब्रो बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसीलिए जब भी आईब्रो बनाएं पहले उसकी जो उसकी सेटिंग है वो देख लीजिए कि आपने कहाँ से आईब्रो के बाल निकालने हैं और कितने बाल आपने छोड़ने हैं। तो क्योंकि हल्की आईब्रो को सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए, अगर आपकी शेप में भी लानी होती है तो बहुत हल्के और धीरे धीरे हाथ आप चला के इस तरीके से आप बालों को क्लीन कर लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से ये मेरी आईब्रो की शेप आई है। अगर ये हम इस साइड से अगर हम निकालते हैं तो मेरी आईब्रो पतली हो जाएगी, तो अगर ज़्यादा निकालते हैं तो इसीलिए मैंने हल्की सी इनसे बोला कि एक लेयर और निकाल दें। तो ये वही एक लेयर मेरी, ये देखिए आईब्रोज की इस तरीके से निकालेंगे। देखिए, क्योंकि मुझे थोड़ी मोटी लग रही थी तो एक तो हल्की है ऊपर से थोड़ा सा नहीं बनेगी, मोटी रहती है तो थोड़ी शेप नहीं दिखाई देती, तो इसीलिए मैंने ये हल्के से क्लीन कराई थी यहाँ से। देखिए इस तरीके से आराम से, बहुत आराम से सोच समझ के आपने निकाला। अगर आपसे धागे थ्रेड से नहीं निकलता तो आप प्लकर ले लीजिए, प्लकर से ही सोच समझ कर, अगर आपका एक आधा बाल है तो आप उसी से निकालिए, सिर्फ डायरेक्ट आप से वो मत लीजिए थ्रेड कि आप उससे निकालना शुरू कर दें, आप प्लकर से निकाल सकते हैं। और ये अब हमारी दूसरी आईब्रो है, ये आईब्रो मेरी थोड़ी कट वाली है तो, और ये मेरी ख़राब हो रही है क्योंकि मेरी आईब्रो में पहले मैंने जहाँ से बनवाई थी तो उन्होंने कट लगा दिया था तो मेरी आईब्रो ख़राब हो गई थी। तो इसीलिए मैंने ये जो आईब्रो की शेप है तो मैं अब इनको खुद ही बता रही थी, तो उसी हिसाब से इन्होंने मेरी आईब्रो की शेप दी है। अब थोड़ी सी शेप में आई है क्योंकि मैंने बनवाई थी तो उनसे हल्का सा गलती से कट लग गया था तो उन्होंने ज़्यादा ख़राब कर दी थी मेरी आईब्रो। तो ये देखिए, आपने इस तरीके से आप स्किन अगर आपकी सेंसिटिव है, बहुत लूज़ है, तो आपको इस तरीके से नीचे से स्ट्रेच करना है, इसको पकड़ना है टाइट से, उसके बाद ही आप आईब्रो स्टार्ट करें। जब भी आईब्रो स्टार्ट करें तो आप ऊपर नीचे से दोनों से अच्छे से टाइट से पकड़ के स्टार्ट करें। ये देखिए, और इस तरीके से आपने एक एक बाल पीछे, पहले फ्रंट से नहीं निकालेंगे, पीछे बैक से क्लीन करते हुए चलेंगे और आगे फ्रंट पे तब बाद में पहुँचेंगे। देखिए इस तरीके से आपने निकालनी है, एक एक बाल को बड़े सोच समझ कर निकालना होता है इसमें, हमने ये नहीं हम डायरेक्ट निकाल सकते। एक ऊपर से मेरी आईब्रो की शेप बिगड़ी हुई है तो उसको हम थोड़ा सा लेकर आएंगे एक लाइन में। तो ये देखिए, इस तरीके से जो हमारी ये लेयर्स है हेयर्स की, तो वो इस तरीके, देखिए सोच समझ के हमने ये बाल निकालना होता है, एक एक बाल हमारा बहुत हिसाब से निकालना होता है। अगर आप नहीं थ्रेड से निकाल पाते आप प्लकर ले लीजिए, पर डायरेक्ट आप ये कोशिश मत कीजिए कि आप थ्रेड चला देंगे, तो यही गलती जहाँ से मैंने आईब्रो जिनसे बनवाई थी उन्होंने यही गलती की थी कि उन्होंने एकदम डायरेक्ट थ्रेड चला दिया था और उनका ध्यान कहीं और था, तो वो हल्की सी मेरी आईब्रो ख़राब हो गई थी। तो इसलिए जब भी आईब्रो बनाए तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें
कि किस तरीके से आप अपनी आईब्रो को शेप में ला सकते हैं, और जो आईब्रो आपकी ख़राब हो जाती है उसको डायरेक्ट पतली ना करें, तो मोटी मोटी आईब्रो ही रहने दें, क्योंकि जब आप अगली बार आईब्रो बनवाओगे तो वो उस तरीके से उस दूसरी सेकंड या थर्ड टाइम में जब बनाते रहोगे तो वो सही हो जाएगी। ये देखिए जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो हम बाल निकाल रहे हैं, जो शेप दे रहे हैं उसमें, मैंने इनको बताया था इस तरीके से इन्होंने निकाली है। तो इस चीज़ का हमने बहुत ध्यान रखना होता है कि आप आईब्रो तो बना लेता हर कोई थ्रेड लेके खड़ा हो जाता है, लेकिन एकदम शेप में बनाना उसको और जो बनाने वाला उसको बताना, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और डायरेक्ट आप एक एक बाल नहीं, क्योंकि ऐसी आईब्रो बहुत कम होती हैं लोगों की ग्रोथ, क्योंकि लोगों की काफ़ी हेयर्स आईब्रोज पे होती है, पर मेरी ग्रोथ कम है, तो मैं इसलिए एकदम डायरेक्ट हर किसी का हाथ नहीं लगवाती हूँ अपनी आईब्रो में। तो मेरे मुझे सोच समझ कर ही आईब्रो बनवानी पड़ती है, तो इसीलिए मेरे से गलती होगी। पिछली बार मैं अच्छे पार्लर में गई थी तब भी उन्होंने मेरी आईब्रो कर दी थी ख़राब, और उससे पहले गई थी तो तब भी ख़राब हो गई थी मेरी आईब्रो। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं अपने आप ही बनवाती हूँ तो शायद मेरी आईब्रो थोड़ी सही हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से, ये अपने जो ऊपर की लेयर्स है वो इस तरीके से आपने ये लेनी है। देखिए क्योंकि बनाने के लिए तो हम भी खुद बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा परेशानी तो होती है, तो इसलिए नहीं हम खुद बना पाते हैं क्लीन तरीके से। तो आईब्रो को तो अगर आप बनवानी है तो आप दूसरों से ही बनवाएं हमेशा, अपने आप कोशिश ना करें आईब्रो बनाने की। ये देखिए ये इस तरीके से ये हमने एक एक बाल करके निकालना है। थ्रेड में आपने इस तरीके से पकड़ना होता है बाल को कि आपको कि जो आप बाल निकाल रहे हैं सिर्फ वही बाल निकल के आए, कोई एक्स्ट्रा उसके साथ निकल के ना आ जाए, कि आप पता चले आपकी और आईब्रो अच्छी की जगह और ख़राब हो जाए। तो यही मेरी बात है कि मेरी आईब्रो ख़राब हो चुकी थी, मैं बार बार आपको ये बोल रही हूँ कि आप देखिए ख़राब आईब्रो को हम कैसे सही कर सकते हैं। मैंने इसीलिए सोचा कि मैं अपनी आईब्रो पर आप लोगों को दिखा दूँ कि ताकि आप देख के सीख सकें कि मैं अपनी आईब्रो को कैसे बनवाती हूँ और कैसे अब मैंने सही किया है जो मेरी ख़राब हो चुकी थी। ये देखिए ये हम एक एक बार निकाल रहे हैं और इस तरीके से हम आईब्रो की शेप दे रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपने नहीं चैनल मेरा सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको जो मेरी आईब्रो का तरीका है बनवाने का तो कैसा लगा। अगर आपकी आईब्रो ख़राब हो जाती है तो आप किस तरीके से उसको शेप में ला सकते हैं। ये देखें हल्का सा आगे से फ़र्क आपको दिखेगा, पर लेकिन काफ़ी हद तक अगली बार जब मैं बनवाऊंगी तो वो सही हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना होता है कि अगर आप जो पार्लर में आप जाते हो तो उनसे बोलिए कि आपकी मोटी आईब्रो रहने दें, क्योंकि पतली अगर वो करेंगे तो आपकी शेप और ज़्यादा ख़राब होती जाएगी और हेयर आपके निकलते जाएंगे तो उसकी शेप डेफिनेटली बिगड़नी है। तो इसलिए जब भी आप आईब्रो बनवाएं तो थोड़ी मोटी बनवाएं, एकदम डायरेक्ट पतली करने को ना कहें। और लास्ट में जो अब आपकी फिनिशिंग वगैरह रह जाती है तो वो फिनिशिंग आप देख लीजिए कि किस तरीके से आपने पूरी इक्वल लाइन में लेकर चलनी है उसको, ज़्यादा एकदम फिनिशिंग के चक्कर में डायरेक्ट बालों को मत उड़ा दीजिएगा। ये देखिए तो मुझे लगा कि शायद ये आप लोगों के लिए वीडियो बनानी चाहिए अपनी आईब्रोज के ऊपर, तो मैंने इसलिए बनाई है आप लोगों के लिए। तो बताइएगा ज़रूर कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है आपको, मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बताया तो वो कैसा लगा। ये देखिए ख़राब हो गई थी, क्योंकि ख़राब फेस का जो लुक हमारा आता है वो आईब्रो से ही आता है। अगर आईब्रो ही आपकी ख़राब हो जाएगी तो आपके जो फेस का लुक है वो बहुत बेकार लगेगा, बहुत ख़राब लगेगा। तो इसलिए मैंने ख़राब होने के बाद काफ़ी टाइम बाद ही कराई है आईब्रो, इसलिए ये देखिए हमारा जो अब ये लास्ट का एक बाल अब भी रहता है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है ख़राब आईब्रो को सही करने में। तो मैंने इनको डायरेक्ट जल्दी जल्दी नहीं कहा कि आप मेरी आईब्रो करें, बहुत धीरे धीरे संभल संभल कर मैंने इनसे एक एक बाल निकलवाया था कि ताकि ये अच्छे से क्लीन कर सके आईब्रो को और शेप में ला सके। तो ये देखिए ये पीछे की हमारी जो लेयर्स है वो उसी हिसाब से हमने लेके चलनी होती है। ये देखिए
अब आपको दिख रहा है हल्का सा फर्क, मेरी दूसरी आईब्रो में थोड़ा हल्का फर्क आ रहा है, वो दिख रहा है सामने। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप आईब्रो बना रहे हैं तो सोच समझ के बनाइएगा, किसी कस्टमर का कोई नुकसान नहीं कीजिएगा, क्योंकि फेस की बात होती है। तो आईब्रो अगर ख़राब हो जाती है तो आप जब भी आईब्रो बनाएं तो आप पहले मोटी ही बनाएं, एकदम डायरेक्ट पतली नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मोटी रखते हो तो आप उसमें पतली बनाकर उसको शेप दे सकते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्ट ही पतली कर दोगे तो फिर उसमें शेप देना बहुत मुश्किल हो जाता है। या आपसे अगर बिगड़ रही है तो आप थोड़ी मोटी ही रखिए, अगली बार उनसे कहिए अगर वो आती हैं तो आप उनकी शेप आईब्रो की दे दीजिए और काफ़ी हद तक उन्हें तसल्ली मिल जाएगी। ये देखिए, ये अब हमारी ऊपर की फ्रंट की जो क्लीनिंग है वो हो रही है हेयर्स की, ये देखिए। तो मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से सिखा सकूं, बता सकूं कि अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको किस तरीके से फेस करेंगे प्रॉब्लम को। ये देखिए, ये आपने इस तरीके से, क्योंकि अब मैंने शेप के चक्कर में आगे से अगर मैं निकलवा देती तो मेरी और पतली हो जाती, तो इसलिए मैंने पहले मोटी ही रखवाई है कि ताकि अगर हमारी थोड़ी सी कमी रहती है तो हम उसको बाद में सही कर सकें। तो अब भी मुझे कमी लग रही थी तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने ये एक लेयर्स और निकाली है हमारी। ये देखिए, बहुत सोच समझ कर, एक एक बाल बहुत सोच समझ कर निकालना होता है, डायरेक्ट हम उठाकर नहीं निकाल देंगे आईब्रोज के बालों को। आप देखने में लगता है कि आपकी आईब्रो बन चुके हैं, लेकिन जो हमें पता होता है कमी तो वो हमें दिखाई देती है अलग से। तो ये आप लोगों के लिए तो अच्छा नहीं, क्योंकि सामने वाला बोल दे, उससे पहले ही आप अच्छे से कस्टमर को समझा दीजिए, उनके आईब्रो को पहले से ही अच्छे से क्लीन कर दीजिए और शेप में दे दीजिए, ताकि सामने वाला आपके बाहर जाकर कोई कस्टमर आपकी बुराई ना करे कि उन्होंने ऐसी आईब्रो बनाई वैसी बनाई। तो इसलिए जब भी काम करें तो थोड़ा तसल्ली से करें, बिल्कुल आईब्रो का मामला होता है तो थोड़ा लोग सेफ्टी रखना चाहते हैं अपने आईब्रो में, तो इस चीज़ की सेफ्टी ज़रूर रखें कि आप जब भी बाल निकालें तो बिल्कुल सोच समझकर एक एक पॉइंट जो आप पॉइंट बनाते हैं उसका ध्यान में रखते हुए ही बालों को निकालें। अगर आपसे नहीं होता है तो आप थ्रेड से, तो आप प्लकर का यूज़ कर सकते हैं, मैं बता रही हूँ आपको, प्लकर से आप यूज़ करके बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से आपकी आईब्रो की शेप आएगी। ये देखिए, कितनी मेरी हल्की आईब्रो थी, तो मैंने यही सोचा कि आपको आईब्रो में आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से हम सुधार सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से हम कटिंग करेंगे, और बालों की कटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इस कटिंग से जो आपकी आईब्रो की शेप है वो बहुत अच्छी निकल कर आती है। दोनों साइड की हमने कट कर दी है, और अब ये हमारा जो फॉरहेड है वो हल्का हल्का फॉरहेड भी हम करवाएंगे इनसे, क्योंकि फॉरहेड पर बाल होते हैं वो नहीं हमें दिखाई देते, लेकिन जब बनती हैं आईब्रो फॉरहेड तो तब पता लगता है कि हमारे फॉरहेड पर बाल कितने हैं। तो हल्का सा थ्रेड मैंने सोचा कि लगवा लेती हूँ, वरना ज़रूरत तो थी नहीं। तो मैंने सोचा कि आपके लिए ये वीडियो बनाई जाए, तो इसीलिए बनाई है। तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, आपको मेरी जो आईब्रो का जो मैंने कमी बताई है वो आप किस तरीके से आपको दूर कर सकते हैं, अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आती है, आप फेस करते हो इस प्रॉब्लम को, तो आप इस प्रॉब्लम से किस तरीके से छुटकारा पा सकते हो। तो प्लीज़ देखिए, कोशिश कीजिएगा कि आप पहले आईब्रो किसी की ख़राब ना करें और धीरे धीरे सेफ्टी से ही आईब्रो बनाएं, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये हमारा फॉरहेड, थोड़ा थोड़ा मैंने हल्का सा थ्रेड लगवाया था अपने फॉरहेड पर, और ये शेप मैंने अपनी आईब्रो की दे रखी है, ये आपको दिखाई दे रही है कि मेरी आईब्रो की शेप कैसे आई है। मेरी आईब्रो ज़्यादा हैवी नहीं है तो उसी हिसाब से ये शेप आई है। ये हमारा फॉरहेड जब भी करवाएं तो बालों को इस तरीके से आप पीछे से पकड़ लें कि ताकि आपके थ्रेड में बाल ना फंसे और आपके जो फॉरहेड है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो प्लीज़, अगर मेरा चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बताइएगा ज़रूर कैसी लगी मेरी वीडियो, और देख मेरी वीडियो पूरे देखने के लिए थैंक यू, बाय। अगली मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय गाइज़।